जैन साहब फरमाए। ल्यूमिक्स ऑटोटेक, देखिए गजब की कंपनी। एंड वेरी गुड मॉर्निंग अनिल जी, एंड वेलकम टू जयपुर। एंड ल्यूमिक्स ऑटोटेक को मैंने पहले भी दो तीन बार इनफेक्ट जेम्स में कवर किया, और हर बार टारगेट अचीव हुआ है। 154 के लेवल से देते हुए आज 255-60 के लेवल्स, और अब 312 के लेवल्स ऊपर दिखाया हुआ है, वहां से करेक्टेड भी हुआ है। बट यस, लेवल्स ऐसे हैं कि 220 230 बहुत जबरदस्त सपोर्ट है, तो इसलिए घबराने की मुझे लगता नहीं कि कोई जरूरत होगी। और अब मैं आता हूं इसके बैकग्राउंड के ऊपर। 1981 से कंपनी कार्यरत है और डीके जैन ग्रुप की कंपनी है। और डीके जैन ग्रुप, जो डीके जैन साहब है, मैं उनके बारे में थोड़ा सा बताना चाहूंगा। बहुत ही इलस्ट्रियस प्रोमोटर पेडिग्री है, एमबीए फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड हार्वर्ड स्कूल के एलुमनाई हैं, और एक्मा के जो ऑटोमोबाइल वाली जो काउंसिल होती है उसके ये पास्ट प्रेसिडेंट रहे हुए हैं। तो ये सब चीजें इनकी बैकग्राउंड में है, तो स्ट्रॉन्ग पेडिग्री वाली कंपनी है। और कंपनी की खास बात ये है कि ऑटोमोटिव लैंप्स और गियर शिफ्टर्स, और ये टू व्हीलर्स, फोर व्हीलर्स के लिए और थ्री व्हीलर्स के लिए बनाती है, फ्रेम चेसिस और कुछ प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स वगैरह। और गजब का कंपनी मार्केट शेयर गेन कर रखी है, मतलब गियर शिफ्टर्स में तो 70% के लगभग का मार्केट शेयर इनका हुआ करता था। और जनरली टू व्हीलर्स और थ्री व्हीलर्स और ये सेंसर्स वगैरह टू व्हीलर्स के लिए देते हैं। तो ये चीज सबसे बढ़िया बात है कि आजकल कोई भी ऑटो एंसिलरी कंपनी को देखते हैं तो हमको ईवी से भी रिलेटेड कुछ चीजें देखनी पड़ती है, कहीं ये नहीं हो कि वो ईवी आते ही वो डिसरप्ट हो जाए। बट ऐसा यहाँ पे कुछ मुझे लगता नहीं है। और सबसे बढ़िया बात, अगेन 15 करीब प्लांट्स हैं इनके अक्रॉस इंडिया, 5 स्टेट्स में, और एक्स्ट्राऑर्डिनरली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी बनाया हुआ इन्होंने तो। और प्लस इनका जो योकोवा जापान के साथ, जीओपीपी जर्मनी के साथ, कुछ 7 ग्लोबल प्लेयर्स के साथ इनका टाइम्स भी है, तो पार्टनरशिप्स की भी है, तो उससे भी कंपनी को बहुत जबरदस्त फायदा मिलता है। और अब मैं कंपनी के अगर फंडामेंटल्स पे आता हूं तो 18 के पी मल्टीपल पे स्टॉक सस्ता लगता है मुझे, क्योंकि 14-15% की प्रॉफिट की कैगर रही है, 19% की रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है, डिविडेंड पे आउट रेशियो भी बहुत बढ़िया है, और डिविडेंड यील्ड करीब 1.38% है। डेट्स कोई बहुत ज्यादा है नहीं कंपनी में, और ग्रोथ भी गजब की दी है। पिछले अगर क्वार्टर्स की बात करें तो पिछले 5 क्वार्टर गजब के गए हैं, बीच में 1-2 क्वार्टर जरूर से डिसरप्ट हुआ, बट कोरोना की वजह से भी बहुत ज्यादा इनके इंपैक्ट पड़ता हुआ नहीं दिखा मुझे। जून के क्वार्टर के अलावा 2020 वाला हर क्वार्टर अच्छे गए हैं, और सेप्टेम्बर 2021 से कंटिन्यूअसली बहुत बढ़िया कर रहे हैं। 26 करोड़ का पैट था सेप्टेम्बर 2021 में, और सेप्टेम्बर 2022 में 34 करोड़ का पैट, तो 111 करोड़ का टीटीएम बेसिस पे हाइएस्ट एवर एनुअल ये टीटीएम बेसिस पे प्रॉफिट्स कमा रही है। और मैं अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न देख रहा था तो 55-56% तो प्रमोटर्स की, और करीब 25% के लगभग एफआईआईज डीआईआईज होल्ड करते हैं। सो इट इज अ ग्रेट स्टॉक टू ओन, और मुझे लगता है कि आराम से जो पुराने लेवल्स है हाइस के वो तो छुए गए। सो 290-310 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लेना चाहिए।